मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। किसकी? क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 4.2। देखो बच्चों, सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन दो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। ठीक, तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 8, ठीक है, जैसे आपके पास इक्वेशन है, एग्जांपल देखना, x प्लस 3 इक्वल टू 8। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में देखना, ये वेरिएबल है और इसके साथ प्लस 3 कॉन्स्टेंट, ये किसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा है। अगर कॉन्स्टेंट ऐड होगा तब आप माइनस करोगे, और अगर माइनस होगा तो ऐड करोगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करोगे, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? देखते रहो ना, x प्लस 3 इक्व टू 8। अब यहाँ पर ये किसका साइन है? प्लस का साइन है, ये इस x के साथ प्लस हो रहा है, तो अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों में 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ प्लस था तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि x प्लस 3 माइनस 3 इक्व टू 8 माइनस 3। देखो बच्चों, एक तरफ नहीं करना है, दोनों तरफ करना है माइनस। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, एक तरफ प्लस था, लेकिन दोनों तरफ माइनस करना है। तो x प्लस 3 माइनस 3 इक्व टू x माइनस 3, तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कट हो गया, तो x इक्व टू कितना बचा, 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो ये बच्चों, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 2, सब्ट्रैक्शन वाला देखना, ये है x माइनस 3 इक्व टू 8। अब बच्चों, ये किस में है, माइनस में है, तो क्या करोगे, ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, या माइनस का था तो तब ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 3 प्लस 3 इक्व टू 8 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो x इक्व टू 11। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये आ जाएगा 3x इक्व टू 9। बच्चों देखो, ये एग्जांपल तीसरा है, ये मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल है। अब ये जब ये इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय थ्री बोथ साइड, दोनों तरफ किसे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3x अपॉन 3 इक्व टू 9 अपॉन 3, तो 3 से 3 कट हो गया, और 3 जा 9, तो x इक्व टू कितना आ गया, 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों एग्जांपल 4 देखना, डिवाइड वाला। अब लिखा है x अपॉन 2 इक्व टू 4। ठीक है, अब ये x, ये 2 x के साथ किस में है, डिवाइड में है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्व टू 4 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट हो गया, तो x इक्व टू कितना हो गया, 4 टू जा 8। तो बच्चों ये आपका, ऐसे करके आप क्या करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। देखो बच्चों, अब जो इक्वेशन है, अब ऐसे वाली इक्वेशन दिखेंगे, एक्स 4x प्लस 5 इक्व टू 60, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये देखो, ये एक ये कंबाइन में, ये मल्टीप्लाई में, इस कंबाइन के साथ ये किस में है, प्लस में। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 5 को पहले क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 4x प्लस 5 माइनस 5 इक्व टू 65, ये 65 है बच्चों, 65 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 5 यानी कि 60। 5 से 5 क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या क्या बच गया, 4x इक्व टू 60। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है बच्चों,
अब ये x इस 4 के साथ किसमें मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड। तो देखो डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 4 इक्वल्स टू 60 अपॉन 4। तो 4 से 60 कटेगा कितनी टाइम्स, 15 टाइम्स, और 4 से 4 कट हो गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 15। ऐसे बच्चों ये सॉल्व होगा।